को बच्चे और यू कैसे हैं आप। आई एम फ्रॉम द पासपोर्ट स्ट्रक्चर के बाद कासवामा हैदराबाद क्लास 4 की। आज मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ जैसे हम क्लास में करते थे, इसी तरह हम सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट लेसन की रीडिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह से घर में पढ़िएगा। जब आपकी क्लास होगी तो मैं तब भी आपसे पूछूंगी, क्लास में भी करवाऊँगी, मगर अब मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से पढ़िए और अपने ही वर्डिंग में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी गिज़ा, हमारी गिज़ा सबक का नाम है। गिज़ा मीन्स गिज़ा क्या है, जैसे हम खाना पीना खाते हैं तो उसको गिज़ा कहते हैं। आज यास्मीन जब स्कूल से घर आई तो उसने अपनी अम्मी से कहा। कौन? यास्मीन जब स्कूल से घर आई तो उसने किससे कहा? अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान आज हमारे स्कूल में योम सेहत मनाया गया। योम सेहत क्या है? मीन्स सेहत के बारे में बताया गया है। स्कूल में सेहत के बारे में कई लोगों ने तकरीरें की। मीन्स किसने? बहुत सारे लोगों ने सेहत के बारे में कुछ बातें कही, तकरीर की कि सेहत क्या है, क्या खाना पीना चाहिए, नुकसान क्या है, ये सब उसने तकरीर में कहा। लेकिन सबसे अच्छी तकरीर डॉक्टर सलमा ने की। किसने की अच्छी तकरीर? किसने की? डॉक्टर, जो डॉक्टर है सलमा ने की। उन्होंने हमें बताया कि हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? हम जब ज़ाहिर इंसान हो, जानवर हो, पौधे हो, तो उसको किसकी ज़िंदा रहने की ज़रूरत होती है? ग़िज़ा की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कौन सी चीज़ें ज़िंदा रख सकते हैं? खाना, हवा, रोशनी, ये हमारी सेहत के लिए, इंसान, जानवर और पौधों के लिए ज़रूरी है। तो ग़िज़ा भी हमारी हिस्सा है। अल्लाह ताला ने हमारी ग़िज़ा के लिए बहुत सी चीज़ें पैदा की है। किसने पैदा की है? अल्लाह ताला ने हमारे सेहत के लिए बहुत सी चीज़ें पैदा की है। कहीं ग़िज़ा जानवर से हासिल होती है, कहीं ग़िज़ा जानवरों से हासिल होती है। कहीं जैसे गाय, बकरी, मुर्गी और मछली, गोश्त, जैसे हम गोश्त खाते हैं ना, तो वो जानवरों का ही गोश्त खाते हैं। जैसे गाय का गोश्त खाते हैं, बकरी का गोश्त खाते हैं, मुर्गी और मछली का गोश्त खाते हैं। कहीं ग़िज़ा अनाज की सूरत में पाई जाती है। जैसे हम ग़िज़ा खाते हैं, खाना खाते हैं, तो सब्ज़ी भी खाते हैं। जैसे अनाज, अनाज का है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उसको अनाज भी कहते हैं। सूरत में पाई जाती है, जैसे गेहूँ, चावल, चना, जव, बाजरा, मकई और तरह तरह की दालें। जैसे हम क्या खाते हैं? गेहूँ किसे कहते हैं? अनाज को। चावल जिसे हम चावल खाते हैं, चना चने को कहते हैं, जव बाजरा, बाजरा जैसे हम सर्दी में खाएंगे तो हमें सर्दी कम लगेगी, जैसे हम उसकी चूरी बनाकर खाते हैं मक्खन में। मकई जैसे मक्के के दाने होते हैं, उसकी भी रोटी बनती है। तरह तरह की दालें कहीं ग़िज़ा सब्ज़ियों की शक्ल में होती है, कहीं ग़िज़ा सब्ज़ियों की शक्ल में होती है। जैसे सब्ज़ी जैसे हम खाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम गोश्त खाएं दिन ब दिन, हम सब्ज़ियाँ भी खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जैसे कि हम कैसे खाएंगे? आलू है, बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। पालक, टमाटर, जैसे सलाद में टमाटर, हर सालन में टमाटर पड़ता है। गाजर, आज सर्दी है तो हम गाजर ज़्यादा खाएं ताकि हमारी आँखों की रोशनी ज़्यादा तेज़ हो। चुकंदर, खून बढ़ाने, शलजम, लौकी वगैरह और कई फलों की सूरत में ग़िज़ा मिलती है। जैसे सेब, अंगूर, अनार, आम, अमरूद, केला वगैरह। जैसे आजकल सर्दी है तो हम नारंगी मौसम में खाते हैं, ठीक है। इसी तरह गर्मियों में भी अलग होते हैं, जैसे आम आते हैं, इसी तरह हम फलों की सूरत में भी हमें ग़िज़ा मिलती है, हमारी सेहत बढ़ती रहती है, हम सेहतमंद रहते हैं। कल दोबारा टॉपिक पढ़वाऊँगी, आधा मैंने आज यहाँ लेसन करवाया है, कल दोबारा पढ़वाऊँगी। अच्छी तरह से घर में याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।